नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। मासिक कष्ट निवारण कैथल की बैठक लघु सचिवालय के परिसर में आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर अध्यक्ष लोगों की शिकायतों को सुना और इन शिकायतों में दाड़ निवासी कृष्णा की शिकायत पर समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी सुरेंद्र को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया। मासिक कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 13 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें 9 नए मामले थे और 4 मामले पुराने थे। सभी का मौके पर ही निवारण किया गया। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता में मूलचंद शर्मा ने कहा कि 31 मार्च तक रोडवेज के बेड़े में 1500 नई बसें और 20 वॉल्वो बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 190 किलोमीटर और 480 किलोमीटर स्कीम के तहत बसें शामिल की जाएंगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो 510 प्राइवेट बस संचालक 3537 रुपये प्रति किलोमीटर चल रही थी, वह अब 26.90 रुपये किलोमीटर स्कीम के तहत अपनी बसें रोडवेज बेड़े में देने को सहमत हो गए और 31 मार्च तक सभी रोडवेज डिपो में बसों की कमी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी जनता की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। जिन कर्मचारी और अधिकारियों की शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। तो पेंडिंग कोई नहीं है, जितने भी अपने 13 पेंडिंग, 3 पहली थी, 11 अब की थी, 14 उनको सभी की कंप्लेन शिकायतों को सुना है, उन सबका रास्ता निकाला, डिस्पोज करा है। एक ही अधिकारी को जो वेलफेयर ऑफिसर जिस आदमी के परेशान कर उसके खिलाफ कार्रवाई, डिस्चार्ज का उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है कि उससे आप वो बार बार कागज देने के बाद पेंशन नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात है, इस जिले का मंत्री इस जिले से है, उसके बावजूद उस अधिकारी को परवाह करनी चाहिए। जिले का मंत्री है और आम आदमी का काम करना चाहिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं, बहुत बड़ी जीत हुई है और लोगों को वोट देना लोगों का अधिकार है। और दिल्ली में 44% भारतीय जनता पार्टी को मत मिला है, 50% बीजेपी मिला है और जो 150 साल पुरानी पार्टी उसको 6% मिला है। सत्ता बनाना लोगों का अधिकार है, सत्ता किसकी देनी, किसको बनाना, ये लोगों का है। लोगों ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, इससे क्या है? और लोगों ने 44% भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है। कांग्रेस ने सिलेंडर कर दिया जी, केजरीवाल का नहीं, सारे इकट्ठे बीजेपी के खिलाफ सब इकट्ठे होकर लड़े हैं। एक सिंबल रहा, सारे लोग मित्र बन गए। पब्लिक हेल्थ और सीवरेज व्यवस्था के लिए बार बार शिकायत दी जाती है, लेकिन अधिकारी को पानी सबकी, सारे विधायक हैं, सब बैठे हैं। आज दूसरे मामला था बिजली विभाग का, कि जो कर्मचारी हैं आम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, आपके सामने भी मामला आया। पहले भी कई बार ऐसी शिकायत आ चुकी, जो अनिल विज जी यहाँ पे मीटिंग लेते थे, तो ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, अधिकारी कोई हमसे अलग तो है नहीं, अधिकारी भी एक समाज का अंग है और काम भी उनको करना है और काम भी कराना है। सारा काम क्या है कि जो भी अधिकारी बिजली कार्य, जो अधिकारी लोगों की बात नहीं सुनेगा, काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सर, रोडवेज के विभाग के बेड़े में, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1500 नई बस हम बेड़े में डालने हैं और 31 मार्च तक 20 वॉल्वो, 150 पिंक बस और 190 अपने किलोमीटर स्कीम, 480 किलोमीटर स्कीम बस हम बेड़े में सब मार्च तक कर देंगे। हमने कहा जो किलोमीटर स्कीम में जो 510 बस थी, जो 37 रुपये 35 रुपये थी, अब वो 26.90 रुपये पर किलोमीटर, जिस स्कीम 190 बसों की थी, उसी स्कीम के तहत वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और 5-10 दिन में मुख्यमंत्री जी और मंत्री उसको स्टाफ की भर्ती की जाएगी। एडवांस है, कोई और सुना?